नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना वायरस ने देश में हाहाकार मचाया हुआ है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और औसतन 3,000 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमण के 4,14,188 नए मामले सामने आए हैं और 3,915 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 2,14,91,598 हो गई है। इनमें से अब तक 2,34,083 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 36,45,164 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 23,70,298 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 16,49,73,058 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को कोरोना के 4,12,262 नए मामले दर्ज किए गए थे और 3,980 लोगों की मौत हो गई थी। राहत की बात है कि कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट आज 22.67% हो गया है। कोरोना से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए कोरोना की टेस्टिंग तेजी से जारी है। पिछले 24 घंटे में 18,26,490 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में कोरोना ने कहर ढा रखा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 19,133 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 335 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 62,194 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 853 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान की बात करें तो यहां गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 17,532 नए मामले सामने आए, जबकि महामारी से 161 और मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 49,058 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 328 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे देश के ज्यादातर राज्यों में लगातार कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।